बिरला एयरकॉन पेश करते हैं स्टेनलेस स्टील से निर्मित बिरला एयरकॉन वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर चिलर, आरओ सिस्टम्स एवं फ्रीजर ऑन व्हील्स। कभी न गले सालों साल चले, आइए नवीन इलेक्ट्रिकल्स, पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ। सरधना विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से दावा किया है कि वह चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन आज भी 100 विधायकों के बराबर हैं, यानी 100 विधायकों के बराबर अभी भी अकेले ही काफी हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी हो तो वह निकाल ले। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस को भी निर्देश देने वाले अंदाज में कहा कि यदि कोई कस्बे में गुंडागर्दी करता है तो लाठी मारते हुए उसे नहर तक ले जाएं। पूर्व विधायक सरधना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देखिए, भारत माता की हाथ होते ही हाथ उठे सबके दिल से भारत माता की दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित, और नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी, सभी बाहर से आए हुए अतिथिगण, कस्बे के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारी माताएं और बहने, सभी छोटे भाई बड़े भाई, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पिछले कुछ समय से, 2-4 महीने से, मैं 3 महीने से देख रहा हूं, मुझे कुछ शिकायत भी मिल रही है, सामूहिक मंच से कहने का मौका नहीं मिला, कुछ लोग गुंडई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से, मुझे लगा है ऐसा है कभी कभी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं गया नहीं हूं, यही हूं। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीतों कस्बे में रिश्ते गुंडई करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर मैं देख रहा था, देख लू छाट लू, 10 साल से तो छुपे हुए थे, कौन कौन गुंडागर्दी कर रहा है। कस्बे की व्यवस्था एक आदमी ने भी बिगाड़ने की कोशिश करी तो आप जानते हैं कि पीछे भी मैंने क्या इंजाम करे और आगे भी क्या करूंगा, ताकि मुझे कम नहीं हुआ हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत, मतलब अभी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में, तो आप सब लोग अपने कस्बे में मिलजुल कर रहे और कोशिश करें कि जरा जरा सी बात पे कोई आपस में भेदभाव ना करे, आपस में लड़ाई ना करे, आपस में मन लुटाव ना करे, अन्यथा कस्बे के लोग रोज मेरे पास 2-3-4 दिन से आने के साथ कुछ व्यवस्था बिगड़ रही है। हालांकि बिगाड़ने में भी व्यवस्था बिगाड़ने में कस्बे के लोगों का ही हाथ है, लेकिन देख लिया 3 महीने हो गए, मैंने देख भी लिया कितनी व्यवस्था बिगड़ सकती है, अब नहीं बिगड़नी चाहिए। यहां पुलिस भी खड़ी है, कहां है इसे पर? तो प्रकार से अगर एक दिन जरा सी कोई गड़बड़ करे तो यहीं से लाठी मारनी शुरू करा और वहां तक लाठी मारना, नहर पार करना अगर कोई गुंडे करे तो, अगर एक जना कोई गुंडे करे। इसलिए आप सबको, बाहर से आए हैं कलाकार, आए हैं गायक है और अलग अलग प्रोग्राम आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रम यहां कस्बे में कर रहे हैं, और भाई बाके परवान जी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज मास्टर जी की, दीपक की ये भी शिकायत नहीं रहना चाहिए, मैंने समय कम दिया है, आज तो नहीं है शिकायत, आज शिकायत अलग अभी एक कार्यक्रम में जाना, मुझे लेटा जाना वो भी यहां से एक कार्यक्रम में और जाना है, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सब लोग देखें, बैठे देखते जाए, पूरा कार्यक्रम देखें, और मैं फिर कहूंगा कि अपनी व्यवस्था, ये हम सब की अपनी व्यवस्था है, इसे बना के रखें, व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।